चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पैदल मार्च निकाला है। पेपर लीक मामले से जुड़े बैनर लेकर कांग्रेस के विधायक मार्च करते दिखे। हाईकोर्ट सचिवालय चौक से ये पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च से तमाम कांग्रेस विधायक शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस के विधायकों ने पैदल मार्च निकाला है। सत्र से पहले ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां बैनर लेकर ये प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के विधायकों की तरफ से। तो मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस के तमाम विधायकों की तरफ से रणनीति तैयार की गई है। किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन परमार। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार आपने रणनीति भी तैयार की गई है, ये प्रदर्शन क्या है, क्या इस प्रदर्शन के माध्यम से मैसेज आप जो है देना चाहते? आज के दिन इतने ज्वलंत मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं गई, कोई व्यवस्था नहीं कि जिस तरह से ये पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं, कितने सारे पेपर लीक हुए हैं और अब ये लेटेस्ट कड़ी के अंदर ये पुलिस का पेपर लीक हुआ है। ये है आपकी महंगाई है, 25 रुपए जो है आपका तेल का जो है कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, वैट आप कम नहीं कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल आसमान छू रही हैं, भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है, बेरोजगारी इतनी जबरदस्त है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं विधानसभा में हमने उठाने हैं, लेकिन अब 2 दिन के सत्र के अंदर क्या हम मुद्दे उठा सकते हैं? और इसलिए जो है जनता को मालूम चले कि एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष होने के नाते हम जो है ये सारी कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता जागरूक हो किस तरह से ये जुमलेबाज सरकार जो है जुमलों के सहारे जो है अपना समय बिता रही है और कोई काम नहीं। मैम, जिस तरह से ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं, क्या लगता है, जिस तरह से आपने खुद कहा कि 3 दिन का समय है, 3 दिन के समय में ये मुद्दे नहीं उठते, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना कि 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए दे दिया गया है, 1 घंटा कॉलिंग अटेंशन के लिए दे दिया गया है, क्या पर्याप्त समय है इन तमाम मुद्दों के? बिल्कुल पर्याप्त समय नहीं है। अब जैसे मैं एक लीडर होने के नाते 20 प्रश्न मैंने लगाए हैं, 8 कॉलिंग अटेंशन मैंने दिए हैं, 1 काम रोको प्रस्ताव किसानों के हक के अंदर वो दिया है, कहाँ पे कब लगा पाएंगे? ये लगाएंगे नहीं, आज तो कुछ लगाया नहीं है। 2 दिन के अंदर अब ये क्या करेंगे? हम लोग चीख चिल्ला के रह जाएंगे। सरकार की मंशा ये है कि भागो, चर्चा से भागो ताकि असलियत सामने ना आए। किस रणनीति के साथ कांग्रेस जो है वो विधानसभा के अंदर उतरने जा रही है? हम जो है पूरी तरह से उजागर करेंगे जो ये काम सरकार कर रही है, उजागर करते आए और आगे भी करते रहेंगे। गुतला खटक हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहेंगी आप, रिक्शा पर एक छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ पर पहुंची है, क्या कहेंगी? ये बच्चा नहीं, छोटा स्टूडेंट है, एग्जाम दे रहा है, ठीक है जी। हुड्डा साहब जी के नेतृत्व में सभी विधायक हम जो पेपर लीक हुआ है उसके रोष में प्रदर्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। हर रोज वैकेंसी देते हैं, रद्द करते हैं, या लीक के कारण या वैसे। युवाओं का बहुत बुरा हाल कर रखा है, 7 साल में 24 वैकेंसीज रद्द की है इन्होंने। युवा बेचारे तैयारी करते हैं, थोड़े से दिनों में पता चलता है रद्द होगी, तो बहुत ही बुरा हाल है। हर रोज वैकेंसी रद्द करना, महंगाई को लेकर के, किसानों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार में ठेका प्रथा को लेकर के, हर मजबूती के साथ हम 3 दिन का समय मिला है शकुंतला जी आपको। 3 दिन में हंगामा कर देंगे हम इनका, कमाल कर दिया। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस की विधायक शकुंतला खटक को, और साथ ही साथ किरण चौधरी की प्रतिक्रिया भी आपको हमने सुनवाई, किस तरीके से यहां प्रदर्शन किया जा रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और एक रणनीति तैयार की गई है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से। हालांकि बात यह भी कही जा रही है कि 2 दिन का जो समय रखा गया है वो बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके जो रणनीति कांग्रेस के विधायकों की तरफ से तैयार की गई है उससे कहीं ना कहीं वो आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं कि 2 ही दिन में परिणाम दिखा देंगे, इस तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। तो बढ़ती महंगाई हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शन लेकर। मानसून सत्र से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। आपको बता दें मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और उससे पहले विपक्ष किस तरीके से तैयारी में जुटा हुआ था ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सड़कों पर उतरकर बैनर लेकर प्रदर्शन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं गीता भुक्कल तस्वीरों में दिख रही हैं, और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहां पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला है और जो भी मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई से जुड़ा मुद्दा हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बैनर लेकर प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस के विधायकों की तरफ
से किया गया है। सदन की कार्यवाही से ठीक पहले की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला है।